साथियों, दीदी को कभी आपके विकास की, इस क्षेत्र के विकास की चिंता नहीं रही। यहां जहरीले पानी से हर जाति, हर मजहब को, हर परिवार, हर मजहब को मानने वाला परिवार प्रभावित है। मासूम बच्चे गंदा पानी पीने से बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन दीदी राजनीतिक विरोध के लिए केंद्र की हर घर जल योजना में भी रोड़े अटकाती है। यहां अस्पताल, मेडिकल कॉलेज की बातें तो बहुत की, लेकिन स्थिति क्या है ये आप अनुभव कर रहे हैं। केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल के हर गरीब परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देश भर के अस्पतालों में देना चाहती है, लेकिन दीदी को ये भी मंजूर नहीं है। साथियों, यही स्थिति यहां के कुटीर उद्योग, यहां के हस्तशिल्प, यहां के बुनकरों को, यहां के मुख्य शिल्प, इनकी भी कभी दीदी ने सूद तक नहीं ली। बीजेपी के लिए ये आत्मनिर्भर भारत के बहुत बड़े स्रोत है, लेकिन टीएमसी के तोलाबाज किसी को नहीं छोड़ते। बीते 10 सालों में दीदी की सरकार ने पुराने शिल्प में ताला लगाने और युवाओं के पलायन को ही बढ़ावा दिया है।